सो गाइस हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस्ट लॉन्च TVS की राइडर 125। और भाई इस गाड़ी में जो है एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। तो यार इसमें जो है अभी तक आपको भाई मिलता था वेरिएंट सिंगल डिस्क का और एक आता था भाई ड्रम ब्रेक का, तो इसमें जो है भाई अब आपको मिल चुका है डुअल डिस्क ब्रेक का वेरिएंट। लेकिन भाई आगे से ऑर्डर है कि हम आपको पीछे का डिस्क अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ भाई आपको हम पूरी गाड़ी की अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं, क्योंकि भाई कॉपीराइट का इशू आ जाएगा भाई। और भाई आजकल तो वैसे भी वीडियोज़ बहुत टेक डाउन हो ही रही हैं। तो सबसे पहले भाई गाड़ी का जो है ये कवर हटाते हैं कि गाड़ी जो है ओवरऑल कैसी लगती है। इसका भाई जो प्राइस है ऑन रोड वो जाता है 115 सिंगल डिस्क साथ, और भाई जो वेरिएंट डुअल डिस्क है भाई वो जाएगा 120 ऑन रोड। तो इसका भाई जो चाबी वगैरह है वो आपको वेव की में मिल जाएगी, इसमें आपको दो चाबी मिलती है। इसका भाई जो मीटर कंसोल है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं हुआ है, ABS अभी नहीं आया है। ABS जो है भाई वो अगले साल डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। और भाई जो वेरिएंट डुअल डिस्क ब्रेक का है वो दो कलर में आया है, ये जो है ब्लैक कलर रहने वाला है, तो आपको हम दिखाते हैं। तो यार ये जो है आपको ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाएगी, और इसका भाई जो सेकंड कलर है वो आपको येलो कलर के साथ देखने को मिलेगा। तो यार इसका जो है भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छे से पैकिंग वगैरह कर रखी है। तो अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट पर। भाई गाड़ी में आपको फ्रंट में मिल जाएगा यहाँ पर TVS का लोगो, LED भाई आपको DRL मिल जाएंगे, साथ ही भाई इसमें आपको मिल जाएगा LED का हेडलाइट। फ्रंट में जो है भाई आपको मिलने वाला है टेलीस्कोपिक का फोर्क, इधर जो है भाई वो आपको मिल जाएगा डिस्क। और इसकी भाई जो टायर की प्रोफाइल है वो आपको मिलेगी 80/118 की। पीछे जो है भाई इधर आपको मिल जाएगा इंजन काउल जो कि भाई काफ़ी अच्छा है। टैंक पे भाई यहाँ पर आपको मिलने वाला है हॉर्स का 3D में लोगो। बाकी भाई जो पैनल से साइड वाले वहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग राइडर की। बाकी यार भाई यहाँ पर पहले कुछ ग्राफिक्स आते थे, कंपनी ने वो रिमूव कर दिए, कॉस्ट कटिंग कर दिए। इधर जो है भाई आपको छेद मिल जाएगा, इधर जो है भाई आपको मिलेगा 125 cc का इंजन जो कि भाई आपको इजीली जो है 50 प्लस माइलेज दे देता है, और 120 के आसपास भाई ये आपको स्पीड दे देती है। गाड़ी में आपको मिल जाएगा साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच, और भाई ये गाड़ी सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों के साथ आती है। इसमें जो भाई आपको सिंगल हॉर्न मिल जाएगा। बाकी यार भाई कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा अपडेट कर रखा है भाई, यहाँ देखो आपको अब नई फेयरिंग मिल जाएगी। बाकी यार जो फ्लैप है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। तो यार भाई इसमें जो है आपको पीछे मिल जाएगा ग्रैब रेल जो कि रहने वाला है सिंगल पीस में, और गाड़ी में जो है भाई आपको मिल जाएगी स्प्लिट की सीट, और इसका भाई जो टेल है वो भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसका भाई जो नेक्स्ट कलर है वो रहने वाला है येलो कलर का, तो भाई वो आप देख लो, चाबी किसी में ऑन नहीं होगी। और ये जो भाई येलो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका भाई जो वेरिएंट है डिस्क ब्रेक वाला भाई वो लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। अगर भाई आप लोग का मन है लेने का राइडर को सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ लेना हो तब भी, और भाई लेना हो डुअल डिस्क के साथ तो आप लोग भाई वेट जरूर करना, क्योंकि भाई ये रिवील अभी नहीं की जा भाई, आप लोग समझ ही रहे हो भाई। अगर मैंने रिवील किया तो भाई मुझे पता है कि क्या होगा मेरे साथ, भाई टेक डाउन तो अक्सर आजकल हो ही रहा है भाई मेरे साथ, तो चाहो तो वेट कर लो। बाकी यार भाई इसमें जो भाई आपको मिल जाएगा ये लीवर जो कि रहेगा एल्यूमिनियम पेंटेड, ये भाई एडजस्टेबल नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। अगर भाई आपको डिस्क लेनी हो डुअल राइडर में तो वेट ज़रूर करना। बाकी भाई फ़ोटोज़ अगर छुपे से डाल पाया तो डाल दूँगा, ठीक है। बाकी यार भाई ये गाड़ी जो है प्रतापगढ़ ज़िले में आ चुकी है, और ये शोरूम है हर्ष TVS, तो चाहो तो वेट कर लो। और भाई जो वीडियो है लाइक करना मत भूलना, मिलते हैं बाद में, चलो बाय।